नमस्कार। आज के इस 5 मिनट का वीडियो में हम देखेंगे कैस्टर का आउटलुक। बिकॉज कैस्टर में अगर हम पिछले 15-20 दिन की बात करें तो वॉलिटी काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आई है। प्राइजेस की अगर बात करते हैं तो हमने देखा था प्राइजेस अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक तो प्राइजेस स्टेबल था, जो 7500-7600 के करीब चल रहा था। बट इकाई जैसे हमने 2023 में एंटर किया, कंटिन्यू प्राइजेस में भारी गिरावट आती हुई दिखाई दी। हमने 7500 से 6500 तक के लेवल पे जाके रुकते हुए देखा। बट मार्च के ऑनवर्ड हमने देखा कि जैसे जैसे अराइवल्स बढ़ते गए और चाइना से डिमांड ड्रॉप होती हुई, ये हमने गिरते हुए करीबन 5400 का भी लेवल हमने प्राइजेस को तोड़ते हुए देखा है। नो डाउट पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर प्राइजेस में एक शार्प रिकवरी भी आई। टेक्निकली काफी सिवियरली ओवरसोल्ड होने की वजह से ये जब हम आते हुए देख पा रहे हैं। अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल के अंदर 23%, पिछले जनवरी से लेकर अभी तक की अगर बात करें तो 18%, लेकिन पिछले एक हफ्ते में प्राइजेस अब रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लगभग 5.5% की तेजी दिखा चुका है। फंडामेंटल कारण की बात करें तो प्राइजेस में हमने लगभग 5.5% की तेजी एक ही हफ्ते में आती हुई देखी। पहला है टेक्निकल शॉर्ट कवरिंग, दूसरा है लोअर लेवल पे थोड़ी बहुत डिमांड इंप्रूव होने लग गई है। बिकॉज जिस ढंग से रिसेशन का फियर बना हुआ था, ये कहीं ना कहीं मुख्य कारण था जिसकी वजह से अब तक प्राइजेस में कोई बड़ी तेजी नहीं बनी थी। बट लोअर लेवल को देखते हुए और सेंट्रल बैंक की सारी कोशिश करते हुए हम देख पा रहे हैं कि प्राइजेस में कहीं ना कहीं एक रिकवरी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से हम जानते हैं कि कैस्टर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है और जिस ढंग से चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर हम बोल सकते हैं कि इस कमोडिटी का है, तो टाइमिंग हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक रिकवरी का माहौल जो बना हुआ है वो एक रह सकता है। टाइमिंग ज्यादा बड़ी एक्स्ट्रा तेजी इसलिए भी नहीं क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रही है, बट ओवरऑल ये करंट लेवल से हमें लगता है कि एक तेजी बनेगी। साथ में स्टॉक की अगर हम बात करें तो टाइटन एंड लोअर थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोअर लेवल पे कोई बिकवाली करने भी नहीं आता है। ये एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से भी प्राइजेस को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डिमांड की बात करें 2023 में फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट हमने देखा कि डिमांड में कोई बड़ा जंप नहीं था, बट सेकंड हाफ की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली इसमें आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके चलते प्राइजेस को एक अपलिफ्ट मिलेगी। वहीं ग्लोबल डिमांड में और कंजम्पशन में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा जैसे जैसे चीजें इम्प्रूव होते हुए दिखाई देगी। वहीं अगर एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो ऑयल और मील दोनों के एक्सपोर्ट में हमने थोड़ी थोड़ी कमी आती हुई देखी थी, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर हमने इतनी बड़ी गिरावट आती हुई देखी। एरिया अंडर सोइंग की अगर बात करते हैं तो 22-23 के अंदर काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ था एंड प्रोडक्शन भी अच्छा था। नो डाउट बीच में कुछ डैमेजेस रिपोर्ट हुई थी जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिला था, बट इनऑल प्रोडक्शन अच्छा होने की वजह से प्राइजेस में कंटिन्यू दबाव बना हुआ था। ऑल इंडिया कैस्टर प्रोडक्शन बात के चल रहे हैं कि 18.82 लाख टन था, जो पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छा था 16.18। तो एक तरफ हमारा प्रोडक्शन अच्छा था, स्टॉक अच्छा था, डिमांड पिकअप नहीं कर पा रही थी, ये सब कारण की वजह से हमने प्राइजेस में गिरावट आते हुए देखी। कैरी ओवर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे हमने इंप्रूवमेंट आते हुए देखा। 11.66% का कैरी ओवर स्टॉक है जो कंफर्ट जोन पे है, जिसकी वजह से प्राइजेस में दबाव था। ये सारे कारण हो गए थे, बट अब टेक्निकली लोअर लेवल से हम धीरे धीरे बाइंग आते हुए प्राइजेस में देख पा रहे हैं। ये एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से प्राइजेस को पिछले कुछ दिनों में एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। सीजनलिटी की अगर बात करें तो जून महीना ऐसा रहता है जहाँ पे हमने ज्यादा करके तेजी का माहौल देखा है। पिछले साल 2022 के अंदर भी 1% की तेजी, 2021 के अंदर 1.5% की तेजी, 2020 के अंदर 8.5% की तेजी बनते हुए देखी है। तो इसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए हमें लगता है कि जून के अंदर ये शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू रहेगा, जो एवरेज 2.5-3% की तेजी मार्केट में बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर टेक्निकल की अगर बात करें तो टेक्निकली वीकली चार्ट के ऊपर प्राइजेस ने 5314 से मार्केट घूमता हुआ दिखाई दिया। 5830 का इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर प्राइजेस 5830 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली हम 6200 के करीब जा सकते हैं टेम्पररी। तो एज ऑफ नाउ प्राइजेस कहीं ना कहीं बॉटम आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है वीकली चार्ट के ऊपर, और 5840 अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि जो भी 5650 तक का भी पुलबैक मिलता है तो लेके चलिए। जब तक प्राइजेस 5380 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम 5840 का लेवल तोड़कर 6220 तक का लेवल एटलीस्ट देख पाएंगे। तो फंडामेंटल साइड काफी मंदी थी, बट अब कहीं ना कहीं लोअर साइड से
प्राइजेस को इसका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कैस्टर के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। हाँ, हर्डल जरूर है 5840 का, 5840 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो डेफिनेटली हम 6220 तक के लेवल देख पाएंगे कैस्टर के अंदर। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिए।